इस यज्ञ में तो बहुत सारे तत्वों की आहुति दी जाती है, लगा के आपके सभी फल से और सामग्री आदि में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और खान पान के भी हमारे जो भोग होते हैं उनको भी इसमें आहुत किया जा सकता है। तो जब हम उन सब की आहुति देते हैं उसको भगवान स्वीकार करते हैं, अग्निदेव स्वीकार करते हैं। इसमें हम बहुत सारे जो हमारे तत्व हैं जैसे नारियल है, गोला है, सामग्री है, और सामग्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम युगों युगों से देते हुए आए हैं, वही वैदिक रीति से हम यज्ञ में देते हैं। और ये यज्ञ का भाग जो है भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं अग्निदेव, और फिर हम जिस देवता का भजन करते हैं, जिसका हम जाप करके इसमें देते हैं, वह आहुति उस देवता तक पहुंच जाता है। और जब उस देवता तक वो आहुति पहुंच जाती है तब वो देवता हमें, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, तब वो देवता हमें जिस प्रकार का हम यज्ञ करें उसी प्रकार का साधन प्रदान करते हैं। दशरथ ने अगर पुत्र कामना से यज्ञ किया तो उनको पुत्र दिया, कोई किसी कामना से यज्ञ करेगा उनको वही देते हैं। बहुत सारे महात्मा सिद्धि के लिए यज्ञ करते हैं उनको सिद्धि प्रदान कर देते हैं। बहुत सारे लोग जैसे हम तो केवल प्रेतादिकों और पितरादिकों के निवारण के लिए यज्ञ करते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। और अब तो ऐसा हो चुका है कि आप बैठिए 8-10 दिन और अपने यज्ञ में जो आपको बहुत लंबे वर्षों से हाजिरी आ रही थी, सर घूम रहे थे, जिनको डॉक्टर सीजियोफ्रेनिया और पता नहीं क्या क्या डिसऑर्डर बताते हैं, वो 7-8 दिन में ठीक हो रहे हैं, फटाफट ठीक हो रहे हैं, बहुत हो गए 1-1 दिन में ठीक हो रहे हैं, तब ऐसे रोग यहाँ से ठीक हो रहे हैं। एक बात और, हमारा एक तंत्र ग्रंथ है नेत्र, उसमें भगवान शंकर ने जो भोलेनाथ हैं उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम होम जूम जूम स, जो हमारा संजीवनी मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र के बीज को केवल बताया गया है, और उस बीज से भी प्रेतादिकों के निवारण के लिए भी बताया गया है, और प्रेतादिकों से कितने प्रकार के रोग होते हैं और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं वो सब उस ग्रंथ में बताया गया है। तो मनु भैया तो शुरू से ही जो यज्ञ करते हैं वो सभी मंत्रों से करते हैं, तो मनु भैया से जब कोई मंत्र पूछता है तो मंत्र की बहुत लंबी लिस्ट निकल के सामने आती है। हम कितने भी मंत्र हैं दुनिया के उनसे भी हम जाप कर सकते हैं, उनसे भी उनको भी यज्ञ में डाल सकते हैं, आहुति दे सकते हैं बहुत सारे साधनों की, और उससे अपनी जो इच्छाएँ पूर्ति कर सकते हैं। हाँ, इसको मैंने ऐसे नहीं छाटा हुआ है कि मारण विद्वेषण, ठीक है जी, कीलन छेदन भेदन ताड़न विदारण, इन सब चीज़ों में या वश्याकर्षण या ममाकर्षण मोहनाकर्षण, इन सब क्रियाओं में अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया जाता है अलग अलग देवताओं के लिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम सब देवताओं को वही एक सामग्री प्रदान करते हैं जो हमने चुनी हुई है, और उसके तत्व जो है सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा, आप कभी अगली बार पूछेंगे तब मैं आपको विस्तार से गिनवा दूंगा। उसकी हमने पूरी लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अनुकूल ही वो मंगाए जाते हैं। मंत्र चिकित्सा जो शब्द रखा गया कि मंत्र चिकित्सा, तो मंत्र को चिकित्सा किस प्रकार से आपने माना? देखिए, जो हमारे महर्षि थे जिन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ रचा, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा में आता है, इसलिए उन जो ऋषि थे उन्होंने हमारी ये वाली जो चिकित्सा थी, जो प्रेतोन्माद प्रेत रोग होते हैं, प्रेत से रोग हो जाते हैं, और पितरोन्माद पितरों से जो रोग होते हैं, इस चिकित्सा को उन्होंने इस पूरी आयुर्वेद की चिकित्सा में लिया। लेकिन समय आने पर धीरे धीरे वे सारे ऋषि महात्मा संत सब विलुप्त हो गए भारत की धरती से, और उनके ग्रंथ भी काफ़ी हद तक विलुप्त हो गए। लेकिन आयुर्वेद की आज भी जो सुश्रुत संहिता है या और भी कई वो है चरक संहिता है, तो जो आज भी बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं उनमें भी प्रेतोन्माद यानी कि प्रेत के द्वारा किए गए दिए गए रोगों का इलाज बखूबी होता है, लेकिन करता कोई नहीं। उसमें लिखा भी हुआ है मंगल उद्भाषणा और मंत्र जब से इन सब रोगों को दूर किया जा सकता है। दरअसल आज के डॉक्टरों ने ये मान लिया, उन्होंने सब रोगों के लिए एक शब्द दिया है, उनको ये भूल हो गई है कि जब तुम नहीं थे तब यहाँ अपशमार भी था, मिर्गी भी थी, जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी 40 साल पहले, और जब किसी के इलाज डॉक्टर नहीं करते थे तब भी यहाँ लोग जो है जी रहे थे, तब भी भारत जब अलग हुआ थलग हुआ पाकिस्तान अलग हुआ तब भी 26 करोड़ भारतीय थे, और उससे पहले भी वो संख्या करोड़ों में ही थी, क्योंकि पाकिस्तान की जब जनसंख्या निकली तो 7-8 करोड़ वो भी थे, 26, 4, 30 और 34, 35 करोड़ लोग तब भी थे। उसके बाद तो हमेशा जनसंख्या बढ़ती है, कभी चाइना भी कम जनसंख्या वाला होगा, कभी भारत में पूरी जनसंख्या थी, युद्ध हुआ वो कम हो गई, कमतर हो गई, फिर वो बढ़ गई, ऐसे ये चलता ही रहता है। इसके मामले में डॉक्टर 40 साल पहले कहीं थे नहीं,
तब उनकी कोई उपज नहीं थी, तब कौन इतने सारे ऑपरेशन करा रहा था बताइए मुझे। और लोग आज से ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, उनकी हड्डियाँ आज से ज़्यादा मजबूत होती थी और रोज़ रोज़ नहीं टूटती थी। इतने साधन नहीं थे हड्डी तोड़ने के, आज हड्डी तोड़ने के साधन सबसे ज़्यादा बने हुए हैं बताइए आप, नहीं बने हुए तो। और हर आदमी को अब क्रोध आने लगा है, वो जो क्रोध है, वो जो बेचैनी है, वो पितरों के कारण है, वो पिताधिकों के कारण है। उसको ना डॉक्टर समझ पा रहा है, ना देश समझ पा रहा है, और वो अपनी ही विधाओं के जरिए, जिनके जरिए वो समस्याएं दूर की जा सकती है, जिनका निराकरण किया जा सकता है, उनको छोड़ रहा है, उनको त्याग रहा है और फला फला कामों में लग रहा है। अब तो बात तो ये कहिए, कल एक कथावाचक यहाँ पर आए हुए थे, हमने उनसे पूछा कि भाई कम से कम भारत में 1 करोड़ कथाएँ तो हो चुकी होंगी श्रीमद् भागवत की, उन्होंने कहा हाँ जी हो चुकी हैं। तो मैंने कहा जो पहली कथा हुई थी उसमें एक प्रेत का उद्धार हुआ था, फिर तो 1 करोड़ प्रेतों का उद्धार तो कथावाचकों ने कर दिया होगा। बोला जी वो अपना ही उद्धार करते हैं, करोड़ प्रेत का नहीं करते हैं। नहीं समझे, आज जितने कथावाचक मौजूद हैं, जितने महात्मा चोले में बैठे हुए हैं, आप उनसे कहिए कि आप किसी एक प्रेत का उद्धार कर सकते हैं, तो उनसे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और वो उसको करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रेतोन्माद प्रेत वालों को होता है, ठीक है। और गहनता उन्होंने इसकी देखी नहीं कि बहुत सारे दर्द भी प्रेत के कारण होते हैं, कष्ट भी प्रेत के कारण होते हैं। तब वो भगवान शंकर की वाणी पढ़े तंत्र ग्रंथों में, तब उनको पता चलेगा। और इसके अलावा जो है वेद से ही, यानी कि हमारी वैदिक रीति से ही, जो सप्तम मंडल है ऋग्वेद का, उसमें रोगोपचार यज्ञ के जरिए लिखा हुआ है। भगवान अग्नि आपका वो लेते हैं, भोग लेते हैं, और उसके जरिए वो आपके बहुत सारे रोगों का निराकरण कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे रोगों को खत्म कर देते हैं। तो रोग तो पहले से ही यज्ञों से ठीक किए जा रहे थे, बाद में डॉक्टर आया है ना कि पहले आया है। तब उन्होंने जो चरक है, महर्षि सुश्रुत है, तब उन्होंने इस अध्याय को, इस विषय को लिया। लेकिन आज किसी भी BAMS डॉक्टर से पूछेंगे आपको कोई मंत्र आता है, डॉक्टर पूछते हैं हमारे से कि आप अपना मंत्र सुनाओ, और सुनाने से पहले डॉक्टर बीच में वाड़ी काट देते हैं, ठीक है ना। तब उनको कोई पूछे भाई तुम्हें कोई मंत्र आता है, BAMS डॉक्टर हो तुम, आयुर्वेद के डॉक्टर हो, चरक और उनको आते थे सुश्रुत को, और वो उसको बोल के साथ साथ दोनों काम करते थे, आपको दोनों विद्याएं दिखाते थे, आपका जो है ना लेपन भी करते थे तेल से, तेल से आपके शरीर पे जो है ना लेपन कर करके आपके दर्द को गायब करते थे, साथ में जप करते थे। अब कर सकते हैं, अब कर सकता है कोई BAMS डॉक्टर? नहीं कर सकता। तो विद्या तो हमने अपनी खो दी, इसका तो मुझे मलाल है। एक दूसरा, आज जितने भी कथावाचक हैं वे किसी का एक का भी आदमी का प्रेत नहीं निकाल सकते, जबकि उस कथा को सुना के एक प्रेत का उद्धार किया था, और वो भी इतना भीषण प्रेत था। ये तो हल्के हल्के प्रेतों को नहीं निकाल सकते जितने कथावाचक बैठे हैं, वे केवल बैठ के गोलमाल 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 वाणी बोल सकते हैं। और एक बात बताऊं, ये कथाएं जो हो रही है ना, अगर गंभीरता से सोचा जाए तो इनके नुकसान भी बहुत है। नहीं समझे, कोई ये कहेगा आध्यात्मिकता खत्म होती है, नहीं होती है। लोगों को श्रीमद् भागवत घर घर पर पहुँचाइए, ठीक है, उनको प्रेरित कीजिए, आप घर पर श्रीमद् भागवत कथा ले जाए, ये ले जाने नहीं देते, ये अपने लिए ही कहते हैं कि भाई हमें ही बुलाओ, हम ही कथा सुनाएंगे। आप श्रीमद् भागवत ले जाओ, कथा तो आजकल सब कोई पढ़ लेता है, अनपढ़ तो अब कोई रहा नहीं, पहले तो अनपढ़ भी होते थे, अब तो सारे पढ़े लिखे हैं। कथा की पुस्तक बांटो ना भाई आप ले जाके, ठीक है, जैसे गीता बटती है घर घर पहुंच गई है गीता, ऐसे कथा को भी पहुंचाओ, श्रीमद् भागवत कथा को। लेकिन वो पहुंचाने के लिए कोई जो है ना वो नहीं है, बल्कि इतना पैसा इन कथाओं में खर्च किया जा सकता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है कि भारत की जितनी भी गरीब बेटियाँ हैं ना, इन कथाओं के पैसे को एक साल के लिए बंद कर दो, उनकी सबकी शादियाँ हो जाएंगी। बोलो संजय महाराज की, संजय महाराज की। क्योंकि इन कथावाचकों से ना तो प्रेत का उद्धार हो रहा है और ना आदमियों का उद्धार हो रहा है, इनका अपना ही उद्धार हो रहा है बस, ठीक है। बरारी मिल रही है सबको, जय शनिदेव।